नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागी लाल न्यूज चैनल से, और इस समय मौजूद है काशीपुर के जसपुर खुर्द रोड पर, जो एसडीएम कोर्ट रोड है वहां पर। आपको बता दें कि काशीपुर का संडे बाजार जो है वो यहीं पर लगता है, और बीते दिन यहां पे एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें सड़क जो है पूरी तरीके से जमीन के अंदर चली गई और इतना बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया जिसको देख के पूरा काशीपुर एक मिनट के लिए हिल चुका था। फिर एक बार ये सड़क सुर्खियों में आ चुकी है। पहले मैं चाहूंगा कि आप इस सड़क का नजारा देखें कि किस तरीके से ये सड़क जो है पूरी मिट्टी में दबने लगी है। आपको बता दें कि बीते दिन काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम लगा था, जिसके बाद प्रशासन ने अपडेट करते हुए पूरे रोड का कार्य करते हुए इस रोड को बनाने का कार्य तो किया, पर शायद टेम्पररी स्तर पर। जिस तरीके से अभी ये गड्ढा जो यहाँ पर हुआ, इसके बाद पूरी रोड जो है वो धस चुकी है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की यहाँ पे स्थिति जो है इस समय बनी हुई है, और इस बार ये सड़क यहाँ से ना बैठकर पूरी आगे से ही बैठ गई है और आर पार की बैठी है। यहाँ पे आवाजाही फिलहाल के लिए तो रोक देनी चाहिए, प्रशासन अभी तक नहीं पहुँचा। काशीपुर की पूरी भीड़ जो है यहाँ इकट्ठी हो चुकी है लगभग, और जिस तरीके से इस समय यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए जाम लगने को है, तो एक बड़ा हादसा भी काशीपुर की इस सड़क पर हो सकता है। परंतु अभी तक नहीं पता चल पा रहा कि प्रशासन को इसकी सुध क्यों नहीं है। पिछली बार इस तरफ से गड्ढा, तो इस बार पूरी रोड जाने को है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं विजुअल के माध्यम से भी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति जो है यहाँ पर उत्पन्न हुई है। अभी तक ऐसा है भैया, यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कोई भी मौजूद नहीं है जो ये हादसे को दावत दे सकता। बहुत बड़ा, आप देखो जरा इधर क्या हाल हो चुका है रोड का, बहुत बुरा हाल है। बाकी सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तीसरी बार है ये, इसका सीरियसली इसको लेना चाहिए। आप इसको तुरंत इन्फॉर्म करो और गाड़ी को थोड़ा ट्रैफिक को इधर रोक के रखो। दो बार तो हो चुका है, तीसरी बार दिक्कत हुई इसमें। बताइए क्या करेंगे, बताए पुलिस बता दें तो कोई अभी आया नहीं है। किस तरह कुछ जाओ जाओ कोई है नहीं, आम वगैरह अभी चालू हो रहा था। ये बहुत खतरे की चीज़ है, और बताइए बहुत खतरे की चीज़ है। देखिए एक महीने पहले जो है यहाँ पर जो हल्का थोड़ा सा आधा रोड टूट गई, तो उसमें ऐसी है लीपा पोती करके चले गए, हल्के में लेने की गलती कर दी। इसमें ना पाइप है इसके अंदर, ना इसके अंदर बॉर्डर बने हुए हैं, वो पानी कटान कर रहा है वहाँ से। देखो ना सारा रोड दिया, उसको हल्के में लेने की गलती है कि आज पूरी रोड जाने को तैयार है, पूरी रोड गई है, बहुत हल्के ले गया काशीपुर। वो ऐसे ही रोड सारे बंद हैं, और ये रोड भी अगर बंद हो गई तो काशीपुर ही जाम हो गया। समझ लो काशीपुर में बहुत दिक्कत हो रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि काशीपुर में जो समस्या ये सड़क की है, बात करें काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर बन रहे फ्लाईओवर के कारण वहां की रोड को तो बंद कर दिया गया है, और फिलहाल काशीपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली ये अकेली कुंडेश्वरी रोड बची है, जिससे पूरा काशीपुर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। ऐसे में अगर इस रोड की स्थिति हुई है और यहाँ पर जनता जो है पूरी तरीके से परेशान है और सोच में भी पड़ चुकी है कि अगर इस रोड को भी बंद कर दिया गया तो आगे होगा क्या। फिलहाल के तौर पर हम बात करें तो काशीपुर के जो पुलिस चीफ है वो मौके पर आ चुकी है, और आवाजाही को रुकवाने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तैनात है। और बात करें, आप देख सकते हैं कि बस जो भारी वाहन जो इस समय निकलते हैं इस रोड से, वो इस समय आ रहे हैं, जिसको पुलिस दूसरे रोड से डाइवर्ट कर रही है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर अभी तक यहाँ पे मौके पर बाकी अधिकारी क्यों नहीं पहुँचे, और इतनी देरी से यहाँ पर ये कार्य क्यों किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, पूरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे सुरागीला न्यूज चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।